और स्वागत है आप सभी का हमारे मध्य प्रदेश में और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर धार से, जहां पीएम मोदी आज धार का दौरा करेंगे, पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं और 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि इंदौर अहमदाबाद से इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर के रास्ते धार पहुंचेंगे, जहां पर सभा होने वाली है और यहां पर 1,00,000 लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है और विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको यह भी बता दें कि 16 फरवरी को दौरा होने वाला था धार का, लेकिन पुलवामा हमले के चलते दौरा स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बीच एक बार फिर ये कार्यक्रम रखा गया है और आज एक बार फिर दौरा का जो पूरा शेड्यूल है वो तय किया गया और इसी शेड्यूल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार दौरे पर पहुंचेंगे। और संवाददाता योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तो योगेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है धार का, चुनावी सभा करेंगे यहाँ पर, कई राजनीतिक दल जिस तरह से जमघट लग रहा है यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और जनता को किस तरह से लुभाने का प्रयास किया जाएगा? जी, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तैयारी की हुई है। धार के पीजी कॉलेज ग्राउंड में सभा स्थल बनाया गया है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। लगभग बीजेपी के नेताओं का कहना है कि लगभग 1,00,000 कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर आएंगे जो कि मोदी जी की सभा को सुनेंगे। जी, तो यहाँ पर योगेंद्र ये भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आ रहे हैं तो अगुवाई में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे और मध्य प्रदेश सरकार में कौन कौन से जो मंत्री हैं उनको रिसीव करने पहुंचेंगे? जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो उमंग सिंघार, यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे एवं बीजेपी के लगभग सारे बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान सहित सारे बड़े नेता आज धार में मंच पर होंगे। निश्चित तौर पर योगेंद्र, ये समझा जाए जो यहाँ पर राजनीतिक जमीन है उस जमीन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर चुनावी दौरा है और चुनावी रैली करने जा रहे हैं, अपनी जो मजबूत जमीन को एक बार फिर से बनाए रखने के लिए ये दौरा है, संबोधित करेंगे यहाँ पर जनता को। चूंकि धार जिले को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ विधानसभा चुनाव में, 7 में से 6 सीटें जो है वो कांग्रेस को चली गई थी, इसके सबसे बड़ा नुकसान धार जिले से हुआ था। जी, इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है और वो नरेंद्र मोदी को धार लेकर आई है और उन्होंने धार में मोदी की सभा करवाई है। जी, तो यहाँ पर योगेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं धार, तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और साथ ही सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? लगभग 5,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। एसपी जी ने पिछले 5-6 दिनों से पूरी कमांड अपने हाथ में ले रखी है और लगभग आसपास के सभी जिलों से पुलिस बल यहाँ पर आ चुका है। जी योगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धार दौरा है, चुनावी दौरा है, ये चुनावी सभा करेंगे यहाँ पर, विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है, इसमें रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो अपडेट आया यहाँ पर सामने सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो 5,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिए। इस बीच